मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। आज 3 अप्रैल के दौरान ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, कुपवाड़ा, कारगिल, कठुआ, सांबा, रामबन में हल्की से मध्यम बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 3 अप्रैल के दौरान राजस्थान राज्य का भी बदलेगा मौसम, होगी बारिश। राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश राज्य में भी आज धर्मशाला, कांगड़ा, सिरमौर, नाहन, सुंदरनगर, शिमला, कुल्लू, मनाली में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश गरज और चमक के साथ में हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में भी आज उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रायगढ़, उधम सिंह नगर में हल्की से मध्यम बारिश गरज और चमक के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, होगी आंधी तूफान के साथ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी। पंजाब राज्य में आज अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, गुरदासपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा राज्य के भी हिसार, करनाल, पानीपत, अम्बाला, पंचकुला में बादल छाए रहने, कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी इलाकों पर एक के बाद एक यानी कि दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मैदानी इलाकों में भी मौसमी परिवर्तन देखने को मिल सकता है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवातीय प्री संचरण बनेगा, जिसके कारण उत्तरी राजस्थान और पंजाब के तलहटी इलाकों और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिनमें पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, फिरोजपुर, चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, हिसार जैसे कुछ स्थानों पर हल्की बारिश गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहाँ तक की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी और 5 अप्रैल के दौरान हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट हल्की वर्षा होने की संभावना है। 6 से 8 अप्रैल के दौरान कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, ENM, तेलंगाना, कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। सिक्किम, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ एक या दो स्थानों पर तीव्र बारिश भी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, गंगे पश्चिमी बंगाल के भी एक या दो इलाकों में लू चलने की स्थिति भी बन सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में रात का मौसम गर्म होने की भी संभावना है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।